जम्मू एवं कश्मीर अर्थात दोनों राज्यों के परिवहन निगमों की बसों के एक दूसरे के राज्य में जनता को सुलभ और समन्वित यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए दोनों राज्यों के मध्य होने वाले प्रारंभिक पारस्परिक परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के इस अवसर पर पधारे आप सभी माननीय गणमान्य अतिथिगणों का, हमारे विभाग से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगणों का, सभी सम्मानित दर्शकों का और हमारी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विभिन्न प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, मैं डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा विभाग की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और लखनऊ की सरजमी पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से अभिवादन करती हूँ। आप सभी को पता है आज की ये शाम जो कि अपने आप में थोड़ी अलग हटकर है, सौगातों से भरी, तोहफों से भरी, उपहारों से भरी, जो हमारे समाज के उन जन जन तक पहुंचने वाली है, जो हर किसी की एक जरूरत है उस दिनचर्या की जिसे कि हम भाग दौड़ कहते हैं। जी हाँ, आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में हमारे बीच में परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड परमादरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बीच में होंगे और आज के विशिष्ट अतिथि महोदयगण में अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ हमारे बीच में उपस्थित होंगे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन उत्तर प्रदेश श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय परिवहन मंत्री उत्तराखंड श्री यशपाल आर्य जी, माननीय परिवहन मंत्री जम्मू कश्मीर श्री सुनील कुमार शर्मा जी और समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण हमारे बीच में होंगे बस कुछ ही लम्हों के साथ। और हम आपके बीच में आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा लेके आएंगे जो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है और सशक्त उस कार्य के साथ हमारे समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमारे बीच में और स्वागत सत्कार पुष्पों के माध्यम से और पुस्तक के माध्यम से, अभिवादन के पश्चात स्वागत उद्बोधन और उसके पश्चात आज के इस समझौते पर हस्ताक्षर और साथ ही साथ प्रतियों के आदान प्रदान के साथ आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा हम आपके बीच में लेके आएंगे। ऐसे में जब इंटरनेट सभी की जरूरत का हिस्सा बन गया है, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश के परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की मंशा स्वरूप प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश एवं जम्मू एंड कश्मीर अर्थात दोनों राज्यों के परिवहन निगमों की बसों के एक दूसरे के राज्य में जनता को सुलभ एवं समन्वित यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए दोनों राज्यों के मध्य होने वाले प्रारंभिक पारस्परिक परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के आज इस सुअवसर पर पधारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का, हमारे विभाग से जुड़े हुए समस्त सम्मानित अधिकारीगणों का, सभी दर्शकों का और हमारे समाज के चौथा स्तंभ कहलाए जाने वाले हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, मैं डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ।
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में हमारी बीच में परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बीच में हैं और मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। आज हमारे इस विभाग की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम जो कि समाज को दिया जा रहा है, जन जन के हित के लिए दैनिक दिनचर्या के साथ जुड़े उनके हर एक समस्या को एक नए रास्ते के साथ जोड़ते हुए उनकी मंजिल को देता है हमारा ये परिवहन निगम। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मंचा सीन हमारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण हमारे बीच में और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा हमें सिखाती है अपने अतिथियों का आतिथ्य सत्कार। तो आइए आतिथ्य सत्कार की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम की उस रूपरेखा के साथ। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित अध्यक्ष परिवहन निगम उत्तर प्रदेश श्री प्रवीण कुमार जी से कि अपने कर कमलों से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एकल पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करें। और मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित प्रमुख सचिव परिवहन एक बार पुनः हमारे अध्यक्ष महोदय जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को एकल पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन वंदन स्वागत किया। और इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश श्रीमती आराधना शुक्ला जी से कि अपने कर कमलों से पुष्प भेंट कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी उत्तराखंड उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे लखनऊ की सरजमी पर। बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एकल पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन कर रही हैं हमारी प्रमुख सचिव महोदया। स्वागत सत्कार की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित परिवहन आयुक्त प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम श्री पी गुरु प्रसाद जी से कि अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित परिवहन मंत्री उत्तराखंड राज श्री यशपाल आर्य जी को एकल पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी एक बार पुनः एमडी सर से कि हमारे बीच उपस्थित माननीय परिवहन मंत्री जम्मू कश्मीर राज श्री सुनील कुमार शर्मा जी को और हमारे बीच उपस्थित राज्य मंत्री परिवहन विभाग स्वतंत्र प्रभार श्री स्वतन देव सिंह जी को एकल पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत। आज की शाम अपने आप में एक यादगार शाम और सौगात के साथ समाज को आगे बढ़ाने के लिए और स्वागत की इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी विशेष सचिव परिवहन विभाग श्री प्रकाश बिंदु जी से कि अपने कर कमलों से मंचा सिंह सचिव परिवहन आयुक्त उत्तराखंड राज श्री डी सेंथियाल पांड्याल जी को एकल पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करें। स्वागत की इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी मुख्य प्रधान प्रबंधक तकनीकी श्री जयदीप वर्मा जी से कि अपने कर कमलों से मंचासीन सचिव परिवहन आयुक्त जम्मू कश्मीर राज श्री हेमंत कुमार शर्मा जी को एकल पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। स्वागत की इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी विशेष सचिव परिवहन विभाग अखलाक खान जी से कि अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित एमडी एसआरटीसी उत्तराखंड राज श्री ब्रजेश संत जी को एकल पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन स्वागत करें। स्वागत की इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी अपर परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश श्री राजेंद्र प्रसाद जी से कि अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित एमडी एसआरटीसी श्री मीर अफरोज जी को एकल पुष्प भेंट कर उनका स्वागत सत्कार करें। हमारे बीच उपस्थित अपर परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश श्री राजेंद्र प्रसाद जी अपने कर कमलों से भेंट कर रहे हैं एकल पुष्प मीर अफरोज जी एमडी एसआरटीसी। और हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री जी के रूप में श्री सुरेश खन्ना जी हमारे बीच में
ये बतालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और मैं अनुरोध करना चाहूंगी परिवहन आयोग प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम श्री पी गुरु प्रसाद जी से कि एकल पुष्प भेंट कर माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत सत्कार करें। और स्वागत की इसी कड़ी में आतिथ्य सत्कार और हमारी लखनऊ की सरजमी जो कि अपने मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है, ये हमारी कला संस्कृति विरासत धरोहर है हमारी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए ऐतिहासिक क्षण के रूप में हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जी के रूप में परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे श्री योगीनाथ जी, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित उत्तराखंड राज्य के हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बीच में हैं। और आइए आतिथ्य सत्कार में कुछ छोटी सी उपहार भेंट स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को देना चाहते हैं। और इसी कड़ी में ये स्मृति चिन्ह जो कि यादों के साथ हमेशा साथ में रहता है, और मुख्यमंत्री महोदय जी को भेंट करते हुए बहुत ही खूबसूरत सा ये स्मृति चिन्ह जो कि हमेशा उत्तराखंड की यादों को हम सभी के साथ सजोते हुए, बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं। और आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं आतिथ्य सत्कार के साथ साथ उस रूप में शब्दों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन उत्तर प्रदेश श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को के अपने उद्बोधन से, स्वागत उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। आज के मुख्य अतिथि गांव गरीब किसान के दिलों पर राज करने वाले ऐसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री परमादरणीय त्रिवेंद्र रावत जी, आदरणीय परिवहन मंत्री यशपाल आर जी, आदरणीय उत्तराखंड के आदरणीय जम्मू कश्मीर के परिवहन मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी, हम सबके उप मुख्यमंत्री आदरणीय आदरणीय केशव जी, आदरणीय सुरेश खन्ना जी, आदरणीय गोपाल टंडन जी, आदरणीय नंद गोपाल जी नंदी, आदरणीय तारा सिंह जी, आदरणीय सुरेश राणा जी, आदरणीय जैकी जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित विधायक, मंच पर बैठे हुए सभी प्रमुख सचिव, एमडी उपस्थित यहाँ पर सभी वरिष्ठ मान्य पत्रकार कार्यकर्ता बंधु, आज मित्रों हम सबका सौभाग्य है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद पूरा जीवन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित किया, एक संत के रूप में तो एक प्रचारक के रूप में। और आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सौभाग्य है कि दोनों मुख्यमंत्री, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रचारक संगठन मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर अमित शाह जी के नेतृत्व में सह प्रभारी के रूप में उत्तर प्रदेश के गली गली और उत्तराखंड के भी गली गली और राष्ट्रीय मंत्री के रूप में भी और संगठन कार्यकर्ता, कोई भी अहंकार नहीं, जमीनी कार्यकर्ता, आज वास्तव में उत्तराखंड का भी उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के त्रिवेंद्र रावत जी के बीच आज करार होने जा रहा है। और दोनों तरफ के और महत्वपूर्ण विषय है कि आदरणीय सुनील शर्मा जी भी मौजूद हैं, यानी माता वैष्णो का दर्शन अमरनाथ, इधर केदारनाथ बद्रीनाथ और उत्तर प्रदेश के अंदर राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और गोरखपुर गोरखनाथ पीठ पीठाधीश्वर पीठ और इधर चित्रकूट, यानी चारों धाम सभी यात्रा और सभी जगह आने जाने का सौभाग्य
और ये सौभाग्य है कि उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार, सुनील जी उसका नेतृत्व करते हैं। और तीनों का सपना, तीनों लोगों का सपना है कि इस करार से पर्यटन, देशाटन और आने जाने में सभी को लाभ मिलेगा, एक दूसरे के यात्रियों का सुगम होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे। इसलिए आज ज्यादा नहीं बोलना है, इसलिए आप सबसे विनती करता हूं एक बार कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत प्रचारक और संगठन मंत्री जीवन यापन करते हुए और यहां तक यात्रा शुरू किया है और कर्मठता के साथ रात दिन जो आदेश मिला है, रात मिले चाहे दिन मिले, और प्रवास उत्तर प्रदेश में आप सब देखे हैं, जिले जिले में गए हैं, इसलिए पूज्य योगी जी के लिए एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर, सुनील जी के लिए एक बार पत्रकारों को छोड़कर बाकी खड़े होकर एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस समझौता से उत्तराखंड के 216 मार्ग लगभग 1,40,000 किलोमीटर का यात्रा होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर 335 मार्ग होंगे और 2,50,000 किलोमीटर का आना जाना होगा सुलभ। इसी तरह जम्मू कश्मीर में 3 मार्ग है और 816 किलोमीटर और जम्मू कश्मीर में 3 मार्ग हैं, 1,846 किलोमीटर प्रतिदिन का संचालन होगा। ये बड़ा संचालन अभी आपने देखा होगा, राजस्थान का करार हुआ इसके पहले, आज यहाँ है, शेष हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, ये भी राज्यों का आपस में करार, एक दूसरे राज्य का आवागमन सुगम हो, सुलभ हो। इसलिए परिवहन विभाग माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सपना है माननीय योगी जी का, वह गांव को भी जोड़ने का और बाकी भी कई योजनाएं, मैं आज गिनाना नहीं चाहता हूं, जितने भी योजनाएं हैं और पीपी मॉडल के हिसाब से उत्तर प्रदेश के 18 बस स्टेशन लिया हूं, जहां पर अच्छा सुगम होगा वह भी शुरू हो गया है, आगे वह भी पूरा होगा। एक बार जोरदार भारत माता की, जोरदार दोनों हाथ उठाकर ये लगना चाहिए, हाँ, बजरंगबली की मुट्ठी का, किसी को घूसा पड़े तो नानी एक मिनट रुको, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अपने उद्बोधन के साथ और आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन उत्तरप्रदेश श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, और उद्बोधन की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुमित करें हमारे बीच उपस्थित माननीय परिवहन मंत्री उत्तराखंड परम आदरणीय सदस्य श्री यशपाल आर्य जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पारस्परिक और परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में मौजूद हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, योगी तो है ही और महान कर्म योगी भी हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जम्मू कश्मीर के सम्मानित परिवहन मंत्री सुनील कुमार सिंह जी, मंच पर आसीन सभी आदरणीय महानुभाव, हमारे प्रदेश के सभी माननीय विधायकगण, इस सभागार में मौजूद मेरे सभी आदरणीय भाई और बहनों और पत्रकार बंधुओं, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए। राज्य निर्माण के पश्चात हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आपस में अनुबंध नहीं हो पाया,
परिवहन विभाग करार नहीं हो पाया और निश्चित रूप से इससे हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के यात्रियों को आवाजाही में आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहा है और राजस्व की भी कमी रही है, राजस्व प्राप्ति की भी हमें कमी रही है। अवैध बसों का संचालन लगातार होता रहा था। आज इस करार से निश्चित रूप से एक नई परिवहन विभाग की नई शक्ल उभर कर हमारे सामने आएगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी का, और अन्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी आभारी हूँ, और स्वतंत्र देव सिंह जी जिन्होंने पूरी स्वतंत्रता के साथ हम सबको गले लगाया और इसमें उन्होंने पहल की, मैं उनका भी आभारी हूँ। तो एक नई पहल हुई है, नई शुरुआत हुई है हम सबको लोगों के लिए, और निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड, और उत्तराखंड तो छोटा भाई है उत्तर प्रदेश का, हमारे बीच में आदरणीय खन्ना साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके सानिध्य में, जिनके संरक्षण में मुझे उनके साथ विधायक के रूप में काम करने का भी अवसर मिला है। तो ये रिश्ते और मजबूत होंगे हमारे और आपके बीच में, और उस रिश्तों को हम सब हमेशा बल देंगे। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में प्रदेश की महान जनता ने हमें भारी जनादेश दिया, बड़ा जनादेश दिया, बड़ी जीत हुई है। हमें उनकी आकांक्षाओं को, जन आकांक्षाओं को भी पूरा करना है, उसकी उस कड़ी में हमारा पहला कदम है। तो मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूँ, यकीनन आप लोगों ने अपनी गर्मामय उपस्थिति से हम सबका मनोबल बढ़ाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अपने उद्बोधन के साथ माननीय परिवहन मंत्री उत्तराखंड श्री यशपाल आर्या जी। उद्बोधन की इसी श्रृंखला को अनवरत आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुमित करें हमारे बीच उपस्थित माननीय परिवहन मंत्री जम्मू कश्मीर श्री सुनील कुमार शर्मा जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत माननीय मंत्री महोदय जी का। मंच पर आसीन श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, सीएम उत्तर प्रदेश, माननीय वीरेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश, यशपाल आर्य जी परिवहन मंत्री उत्तराखंड, मंच पर आसीन समस्त ऑफिसर्स, इस सभागार में बैठे सभी माननीय विधायक, मंत्री और मीडिया कर्मी, सर्वप्रथम मैं अपने आप को आज बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज भारत की संस्कृति का प्रतीक, आस्था और श्रद्धा का मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने आज भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर के साथ जो आज समझौता हम करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक गौरव का तथा गर्व का विषय भी है और दिन भी है। मैं सभी यहाँ पे सभागार में उपस्थित लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा। एक ऐसी विचारधारा जिस विचारधारा ने आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में, जम्मू कश्मीर की भी रखवाली करने का एक जिम्मा जो सौंपा है, उसके लिए मैं
जम्मू कश्मीर की तरफ से, जनता तथा सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों का आभार प्रकट करता हूं कि परिवहन विभाग के द्वारा ही आज जो हमदर्दी प्रकट की है जम्मू कश्मीर के साथ, और जिस तरीके से तीर्थ स्थानों का नाम हमारे स्वतंत्र देव सिंह ने अमरनाथ से लेकर चित्रकूट तक गिनाए, ये हमारे लिए मुझे लगता है कि एक गर्व का विषय है हमारे सामने कि जम्मू कश्मीर में भी अमरनाथ हो या माता वैष्णो देवी हो, वहां पे जाने वाले लोग उन स्थानों से के साथ श्रद्धा रखने वाले लोग, जिनके लिए आज जो समझौता हो रहा है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं दोनों सरकारों को, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों सरकारों को, कि हम इस समझौते के द्वारा इन दोनों राज्यों के साथ और भी मुझे लगता है कि कई और समझौते करेंगे। आपका साथ रहना चाहिए, आपका आशीर्वाद रहना चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता को, विशेषकर इस विचारधारा से, जिस विचारधारा से हम लोग आते हैं, बहुत ही भरोसा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। और मुझे लगता है कि ये जो कड़ी एक आज जुड़ी हुई है परिवहन विभाग के द्वारा, जिसका श्रेय मैं स्वतंत्र देव सिंह जी को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने कम से कम जम्मू कश्मीर पर एक निशाना साधा है अपनी बसों के द्वारा, और एक भारत की अखंडता का उदाहरण भी यहाँ पे दिया है। तो ये निशाना, जो अचूक निशाना इन्होंने लगाया है, मुझे लगता है कि इसको और विस्तार देने की आवश्यकता है, और हमारे दोनों आदरणीय मुख्यमंत्री इस पे जरूर गौर करेंगे। क्योंकि इस वक्त समय कम है, मैंने और भी कुछ व्यथा सुनानी थी, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं इस समझौते का स्वागत भी करता हूँ, और एक आशीर्वाद के रूप में इन्हीं दोनों मुख्यमंत्रियों का ये समझौता मानता हूँ, और एक निवेदन के साथ साथ एक उम्मीद विश्वास भी रखता हूँ कि आगे भविष्य में भी जम्मू कश्मीर को कहीं न कहीं अपने इस जो इनका मैनिफेस्टो है, जो इनका मुझे लगता है कि दोनों जो हमारे यहाँ पे परम श्रद्धेय दोनों लोग जो हैं, कम से कम जम्मू कश्मीर को केंद्रित करके कोई योजनाएं बनाएंगे, जिससे मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी वो विश्वास बढ़ेगा। और जो एक कुछ लोग इस भारत में खड़े हैं और जम्मू कश्मीर के सामने एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उस प्रश्न को भी मिटाने का ये काम करेगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हुआ इस समझौते का भी स्वागत करता हूँ, और अंत में भारत माता की जय के घोष के साथ अपने कथन को समाप्त करूंगा। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में माननीय परिवहन मंत्री जम्मू कश्मीर श्री सुनील कुमार शर्मा जी, अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुगत कर रहे थे। जी हाँ, अब वो पल आ गया है, वो क्षण आ गया है, जो पल अपने ऐतिहासिक पल में और जो क्षण अपने ऐतिहासिक क्षण में बदलने जा रहा है और एक इतिहास रचने जा रहा है हमारे समाज को, वो उपलब्धि जो कि जन जन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, पारस्परिक परिवहन समझौता, जी हाँ, जो कि इस समझौते से हम सभी जानते हैं कि आम नागरिक जो कि सामान्य रूप से शैक्षिक, धार्मिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यात्रा करते हैं, साथ ही साथ तीर्थ यात्रा के साथ देशाटन और देश विदेश से जो हमारे पर्यटन, उसी उद्देश्य से यात्रा करते हैं, और आज उसी समझौते को, उसी कड़ी को जोड़ने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हमारे बीच में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य के मध्य हस्ताक्षर की उस कड़ी के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश श्रीमती आराधना शुक्ला जी को, और उत्तराखंड राज्य की तरफ से सचिव एवं परिवहन आयुक्त उत्तराखंड राज्य श्री डी सेंथियल पांड्यन जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और हमारे इस पारस्परिक परिवहन समझौते की उन फाइलों पर, उन कागजों पर दस्तखत के साथ, हस्ताक्षर के साथ एक बार जोरदार तालियां, बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, ये कड़ी जोड़ रही है जो हमारी कलम और कागज़ के माध्यम से
और साथ ही साथ अभी उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर राज्य के मध्य हमारे इस अंतर्राज्यीय परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर के लिए हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से प्रमुख सचिव में श्रीमती आराधना शुक्ला जी और जम्मू कश्मीर राज्य की तरफ से सचिव एवं परिवहन आयुक्त जम्मू कश्मीर राज्य श्री हेमंत कुमार शर्मा जी कागजों पर अपने हस्ताक्षर के साथ मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। जी कागजात आदान प्रदान मंच के ऊपर, मंच पर आदान प्रदान हो रहा है हमारे अंतर्राज्यीय परिवहन समझौते की प्रतियों का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत सत्कार और बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की सोच को, और साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में, हमारे अतिथि के रूप में हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को और समस्त माननीय गणमान्य अतिथियों को जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत ही ऐतिहासिक समझौता और हमारे अंतर्राज्यीय परिवहन समझौते की इन प्रतियों का आदान प्रदान हमारे दोनों राज्यों के परमादरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों के माध्यम से, और ये कड़ी जुड़ती हुई अपने आप में, और ये दूसरा समझौता जो कि अब आप देख रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश राज्य और जम्मू कश्मीर राज्य के मध्य अंतर्राज्यीय परिवहन समझौते के लिए हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश श्रीमती आराधना शुक्ला जी और जम्मू कश्मीर राज्य की तरफ से सचिव एवं परिवहन आयुक्त जम्मू कश्मीर राज्य श्री हेमंत कुमार शर्मा जी, एवं जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जी हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे उत्तर प्रदेश के लिए और साथ ही साथ उत्तराखंड के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अपने आप में, जन जन के लिए और दिशाटन के लिए, पर्यटन के लिए, अध्यात्म को जोड़ते हुए, और ये हस्ताक्षर के साथ ये प्रतियां मंच पर उनके आदान प्रदान हेतु हमारे दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के करकमलों के माध्यम से एक बार तालियों के साथ स्वागत। जी हाँ, समझौतों की प्रतियों का आदान प्रदान हमारे उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य के मध्य और उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य के मध्य, बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं आज इस ऐतिहासिक पल के लिए, ऐतिहासिक क्षण के लिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी और बहुत सारी बधाइयों के भी साथ, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में और साथ ही साथ हमारे अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत माननीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय जी का। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और साथ ही जम्मू कश्मीर राज्यों के परिवहन समझौता यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं, इस अवसर पर आज के मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश के अति सम्मानित मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मेरे सहयोगी संगठन में लंबे समय तक हमने साथ साथ काम किया श्री केशव मौर्य जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम विधायक और वर्तमान में मंत्री संसदीय कार्य नगर विकास आदरणीय सुरेश खन्ना जी, प्रदेश के यशस्वी परिवहन मंत्री और
हमारे तो मेरे तो छोटे भाई की तरह हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी। जम्मू कश्मीर के परिवहन मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी, अनेक मंत्रीगण यहाँ पर हैं, एक मेरे साथी हैं गोपाल जी टंडन, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रमुख सचिव अनुराधा शुक्ला जी, अन्य राज्यों से आए हुए हमारे अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित तमाम प्रदेश के मंत्रीगण, विधायकगण, सम्मानित बहनों भाइयों की एक लंबी प्रतीक्षा के बाद 17 वर्ष बीत गए। ये समझौते, ये आदान प्रदान बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, लेकिन आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और मेरे लिए तो इसलिए भी ऐतिहासिक हो गया है कि आज ही हम लोगों ने उत्तराखंड में ई चालान की भी शुरुआत की है। हमने स्मार्ट डीएल और स्मार्ट रजिस्ट्रेशन, ये भी आज से उत्तराखंड में उसकी शुरुआत की है, जो परिवहन से जुड़े हुए हैं, पारदर्शिता से, सुशासन से जुड़े हुए हैं। और इसलिए मैंने कहा कि आज का दिन ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है और इसके लिए मैं श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, वर्किंग कल्चर है, कि हम कोई भी समस्या है, कोई भी विवाद है, उनको हम लटकाना नहीं चाहते हैं, हम उनको सुलटाना चाहते हैं, हम उस पर निर्णय करना चाहते हैं। और इन 9 माह में, चाहे नहरों से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा होगा, सिंचाई नहरों से 36 नहरों पर समझौता हुआ है, अलकनंदा होटल पर समझौता हुआ है मैं कह सकता हूं, और आज परिवहन निगम का समझौता हुआ है। ये जो योगी जी की कार्यशैली है, मैं समझता हूं कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। और लंबे समय तक जो विवाद चल रहे थे, अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि वो सब सुलटने का समय आ गया है, उनके आदान प्रदान का समय आ गया है। ये जो समझौता आज यहाँ पर जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं, उससे हमारी जो परिवहन व्यवस्था है, इसको सुचारू करने में और अधिक गतिशील बनाने में निश्चित रूप से सुविधा मिलेगी। तमाम जो यात्री हैं, जो उत्तराखंड तो देवभूमि है, मंदिरों का प्रदेश है, भारत की संस्कृति का उद्गम का स्थान है, सबकी इच्छा होती है उत्तराखंड आने की। और इसलिए तमाम उन तीर्थ स्थलों की धरती उत्तराखंड, आज जो समझौता हुआ है, मुझे लगता है कि उन तमाम श्रद्धालुओं को भी एक अच्छा संदेश इसके माध्यम से जाएगा। और मैं आज इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड के तमाम जो हमारे देवी देवता हैं, चाहे हरिद्वार, ऋषिकेश, उखीमठ, पांडुकेश्वर, जागेश्वर, बागेश्वर, पूर्णागिरी, माता भुवनेश्वरी, पाताल भुवनेश्वरी, तमाम हेमकुंड साहब वहाँ पर हैं, रीठा साहब वहाँ पर हैं, कलियर शरीफ वहाँ पर हैं, तमाम ऐसे पवित्र स्थान वहाँ पर हैं। मैं आज उन सब की ओर से आपका यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ।
अभिनंदन भी करता हूं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जैसा अभी स्वतंत्र जी कह रहे थे, यशपाल जी कह रहे थे कि ये तो हम तो छोटे बड़े भाई हैं। मुझे तो सच बता रहा हूँ, आज भी जब मैं उत्तर प्रदेश में आता हूँ, मैं देखता हूँ आप सब लोगों को, कार्यकर्ताओं को देखता हूँ, तो मुझे तो कुछ भी लगता ही नहीं है। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का ज़्यादा प्यार है मुझे। संगठन के नाते मैं भी बहन जी को देख रहा था, गुलाबो जी को, मैं उनसे पूछा था केशव जी को, मैंने कहा बहन जी लग रही हैं बहुत। पूरे उत्तर प्रदेश में शायद कुछ ही जिले ऐसे होंगे कि जहाँ पर मैं जा नहीं पाया। मैंने पूरा उत्तर प्रदेश बहुत नज़दीक से मुझे काम करने का मौका मिला, और इसलिए आज भी जब यहाँ के कार्यकर्ता मिलते हैं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कभी हम अलग हो गए। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल अभी साथ साथ ही हैं, और इसलिए मैं तमाम उन कार्यकर्ताओं का भी, उत्तर प्रदेश की तमाम जनता का भी इस अवसर पर मैं उनका भी अभिनंदन करूँगा। उनका आशीर्वाद मिलता रहे, योगी जी को भी मिलता रहे, हमको भी मिलता रहे। और अंत में मैं सारे जो हमारे जो ये करार आज यहाँ पर हुआ है, जो परिवहन विभाग के हमारे दल हैं, जो परिवहन विभाग के हमारे अधिकारी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में परमादरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अपनापन लगना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इंसान तो सबको एक जैसे होते हैं, लेकिन ये देखने वाले की नज़र पे निर्भर करता है कि वो कैसा है। जी हाँ, आपने इतना प्यार सम्मान हमारे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कहा कि आपको बहुत परिवार के जैसा लगता है, तो मैं आप सभी के इस प्यार के लिए, अपनेपन के लिए, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी उत्तर प्रदेश परमादरणीय श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैं कह सकती हूँ बस कि उन्हीं के प्यार को देखकर सभी लोग यही कहता है कि किसी ने फूल से पूछा तुमने खुशबू दी तुम्हें क्या मिला, किसी ने फूल से पूछा तुमने खुशबू दी तुम्हें क्या मिला, फूल ने कहा लेना और देना तो व्यापार है, जो देकर कुछ ना मांगे वही असली प्यार है। और ऐसा ही प्यार हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी परमादरणीय श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी सभी के ऊपर बरसाते हैं, उनकी असीम कृपा होती है। उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर राज्य के मध्य अंतर्राज्य बस सेवाओं के सुगम और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संपन्न हुए समझौते पारस्परिक परिवहन समझौते कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, परिवहन मंत्री उत्तराखंड माननीय श्री यशपाल आर्य जी, परिवहन मंत्री जम्मू कश्मीर माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, नगर विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अध्यक्ष परिवहन निगम श्री प्रवीर कुमार जी, प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश श्रीमती आराधना शुक्ला जी, सचिव और परिवहन आयुक्त उत्तराखंड श्री डी एस पांडियन जी, सचिव और परिवहन आयुक्त जम्मू कश्मीर राज्य से हेमंत कुमार शर्मा जी,
एमडी एसआरटीसी उत्तराखंड श्री ब्रजेश कुमार संत जी, एमडी एसआरटीसी जम्मू कश्मीर राज्य श्री मीर अफरोज जी, परिवहन आयुक्त और प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम श्री पी गुरु प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज एक साथ दो राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने पारस्परिक परिवहन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को, वहाँ के परिवहन मंत्री जी को और जम्मू कश्मीर के परिवहन मंत्री और दोनों राज्यों की जनता को हृदय से बधाई देता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण और वर्षों से लंबित एक कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने जानबूझकर के समझौते को पिछली बार टाला था और आज के दिन का उन्हें इंतजार था क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। मैं जन्मदिन पर उनको उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, उनके यशस्वी और दीर्घजीवित जीवन की भी कामना करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब के लिए परिवहन के समझौते आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का एक माध्यम है। हमारे लोगों के लिए परिवहन और आवागमन सरल और सुगम हो ही, साथ ही इस देश के अंदर हर क्षेत्र में पर्यटन की उन व्यापक संभावनाओं को भी हम विकसित कर सकें और पर्यटकों को अधिकाधिक सुविधा दे सकें, इस दृष्टि वर्षों से लंबित चले आ रहे मामले, आपने देखा होगा बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत कड़ी टिप्पणी की थी केंद्र सरकार पर भी, उत्तर प्रदेश सरकार पर भी, उत्तराखंड पर भी। केंद्र सरकार अपना निर्णय दे चुकी थी और जब ये मामला सामने आया तो मैं स्वयं चौंका था क्योंकि मामला तो 2004 का है, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। मैं उसमें सोच ही रहा था तब तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का फोन मेरे पास आया। उन्होंने कहा हम चाहते हैं, मैंने कहा भाई आप तय कर लीजिए, उत्तर प्रदेश आपके साथ हर प्रकार की कोई जो भी आप तय कर लेंगे हम लोग उसके अनुसार उसको लागू कर देंगे, लेकिन बस इतनी जोर जरूर हो कि उत्तर प्रदेश के हमारे लोग जब भी उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड जाएं तो उनको भी उत्तर प्रदेश का कोई भवन वहां दिखाई दे। और मुझे प्रसन्नता है कि हरिद्वार में उत्तर प्रदेश का एक पर्यटन विभाग का भी भवन वहां बनने जा रहा है और उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने अपनी सहमति देते हुए उस समझौते को आगे बढ़ाया है, जिसमें हम एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट होटल या फिर टूरिस्ट का एक भवन यूपी भवन के रूप में उत्तराखंड में हरिद्वार में बना सकें। और मेरा मानना केवल हरिद्वार ही नहीं, ये जो परिवहन समझौते हो रहे हैं मुझे देख करके आश्चर्य होता है कि कैसे हम लोगों ने इन सभी राज्यों के लोगों के आवागमन को अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए कैद करके रख दिया था, बंधक बना के रख दिया था। जम्मू कश्मीर के साथ आज जो परिवहन का जो ये हस्ताक्षर हो रहा है, पारस्परिक समझौता जो हो रहा है परिवहन का, इसमें जम्मू लखनऊ पाया दिल्ली कानपुर और ये वापसी का एक कार्यक्रम एक तो ये है, यानी लखनऊ और कानपुर को हम सीधे जम्मू के साथ जोड़ने जा रहे हैं। इसी प्रकार से जम्मू को अलीगढ़ बाया दिल्ली होते हुए जम्मू आगरा, आगरा बाया एसबीटी कश्मीरी गेट
ताइसबीटी सराय कालेखां बाया यमुना एक्सप्रेसवे एवं वापसी। मथुरा दिल्ली कटरा, सहारनपुर अंबाला जालंधर पठानकोट जम्मू कटरा, मुजफ्फरनगर हरिद्वार जम्मू कटरा, यानी ये सभी मार्ग हैं जिनको हम आपस में जोड़ने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ। और उत्तराखंड के साथ तो बहुत ज़्यादा रूट है, दिल्ली से ऋषिकेश जाना हो तो बीच में उत्तर प्रदेश आता है, यानी उत्तराखंड के लोगों को एकदम बीच में ऐसे कैद कर दिया वो दिल्ली जा ही नहीं सकते थे। तो दिल्ली से ऋषिकेश, दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से कोटद्वार, दिल्ली से हल्द्वानी, दिल्ली से रामनगर, दिल्ली से टनकपुर, दिल्ली से हरिद्वार, दिल्ली से कालागढ़, दिल्ली से हरिद्वार, नोएडा से कोटद्वार, मेरठ से हल्द्वानी, आगरा सहारनपुर देहरादून, आगरा मेरठ देहरादून, आगरा मेरठ हरिद्वार, आगरा मेरठ ऋषिकेश, आगरा दिल्ली देहरादून, वृंदावन मथुरा हरिद्वार, हस्तिनापुर मुजफ्फरनगर हरिद्वार, यानी ये तमाम जो रूट हैं कितने महत्वपूर्ण रूट हैं जिन पर कार्य होना चाहिए था। हम जब पर्यटन की बात करते हैं, परिवहन की बात करते हैं, तो केवल एक यात्री एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। ये भारत की इस विराट सांस्कृतिक एकता को भी अपने साथ लेकर के जाता है। और सचमुच यह पर्यटन के जो केंद्र हैं, ये केवल मनोरंजन के या लोगों की आस्था के केंद्र नहीं, ये राष्ट्रीय एकात्मता के भी बहुत मजबूत आधार हैं। भारत की राष्ट्रीयता को इससे मजबूती प्रदान होती है। और इस दिशा से समझौता जो यहाँ पर पारस्परिक परिवहन समझौते हुए हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण समझौते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस दिशा से उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अन्य राज्यों के साथ भी इस प्रकार के अपने जितने भी लंबित पड़े हुए कार्य हैं, क्योंकि जब और निर्णय की शिकार कोई सरकार होती है तो वह कमेटी बनाकर उसको टालती है। हम लोगों ने कहा कोई कमेटी नहीं बनेगी, मंत्री अपने स्तर पर फैसला लें, विभाग के साथ फैसला लें और फिर उसको लागू करने के लिए त्वरित निर्णय भी लें। निर्णय लेने की क्षमता सरकारों के अंदर होनी चाहिए और उस निर्णय को लेते हुए आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। अब पिछले दिनों हम लोगों ने राजस्थान के साथ इसी प्रकार के एक समझौते, परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हरियाणा के साथ, अन्य राज्यों के साथ हम लोग इस प्रकार के परिवहन समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि हम लोगों के पर्यटन विभाग को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ का राज्य है, यहाँ के पर्यटकों को विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से जाना पड़ता है, जाते हैं, ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन वहां जाते हैं तो वहां पर कोई भी ऐसी जगह उनको नहीं मिलती है कि जहां वे लोग रह सकें, व्यवस्था उनको मिल सके। अगर स्थानीय सरकार के द्वारा कोई कार्यक्रम, कोई व्यवस्था दी भी गई है तो बहुत बार वो कम पड़ती है। हम लोगों का ये मानना है कि वहां पर राज्य सरकारों को सुविधा दी जानी चाहिए। और मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के हमारे नागरिकों को अगर अन्य राज्यों में पर्यटन की दृष्टि से कोई स्थान मिले तो हम हर जगह यूपी भवन बनाना चाहेंगे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए, जिससे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को वहां जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और सुविधा ना हो। उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत कर दी है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी अगर वैष्णो देवी जाने वाले या अमरनाथ जाने वाले हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे देश प्रदेश के नागरिकों को लिए वहां की सरकार भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग करती है, तो हम लोग वहां पर भी उत्तर प्रदेश का एक भवन बना करके उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुविधा देना चाहेंगे। ये समझौता अमरनाथ को विश्वनाथ के साथ जोड़ने, बद्रीनाथ को विश्वनाथ के साथ जोड़ने एक महत्वपूर्ण कदम है, आपस में जोड़ने का, दोनों राज्यों की जनता को जोड़ने का एक प्रयास है। अगर हमें कटरा में या अमरनाथ में या बद्रीनाथ के पास
या केदारनाथ के पास या यमुनोत्री गंगोत्री के पास या फिर जैसे वेस्ट बंगाल की सरकार से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश के बहुत यात्री जाते हैं गंगा सागर, गंगा सागर में भी कोई जमीन अगर हमें उपलब्ध हो जाए तो हम एक यूपी भवन वहां बनाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, जिससे लोगों को अधिकाधिक सुविधा हो सके और उन प्रदेशों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि अगर अन्य राज्य सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर अपना भवन बनाना चाहेंगी तो हम भी अपने उन सभी स्थलों पर, काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, चित्रकूट है, नेमिसारण्य है, विंध्यवासिनी देवी का धाम है या फिर शाकंभरी देवी का धाम है, जहां भी वे लोग चाहेंगे हम लोग भी उन राज्यों को वहां पर अपने पर्यटन भवन बनाने के लिए स्थान देने को तैयार हैं, जिससे पारस्परिक परिवहन और पर्यटन को बेहतर बनाया जा सके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को हम सब साकार कर सकें परिवहन और पर्यटन के माध्यम से। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अच्छा कार्य पिछले 9 महीनों के दौरान करने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि उसी श्रेणी में राजस्थान के साथ हमारे परिवहन करार पर हस्ताक्षर हुए थे। पूरे प्रदेश में ई चालान की व्यवस्था उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लागू कर चुकी है और यही नहीं, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ढेर सारी ऐसी योजनाएं लागू की हैं जो एक सामान्य यात्री के लिए अत्यंत सुविधाजनक है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां परिवहन विभाग की बसें नहीं चलती थी, उन बसेस को वहां चलाने की व्यवस्था हुई। ग्रामीण क्षेत्र में तो जब हम लोग आए थे उस समय एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी कि जिन गांवों तक कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, बस की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी मात्रा में परिवहन निगम ने बसेस उन क्षेत्रों में चलाई हैं। ये समझौते के साथ हस्ताक्षर तो परिवहन की दिशा से हो रहे हैं और मैं चाहूंगा कि जिन 3 राज्यों के बीच में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बीच परिवहन समझौते जो हो रहे हैं, इन राज्यों में चलने वाली बसेस नई हो, अच्छी हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पिछली बार अपने बेड़े में कुछ अच्छी बसें, लगभग 12 बाल्बो स्केनिया और 16 जन रथ बसों को जोड़ते हुए 121 बाल्बो और 570 जो हमारी वातानुकूलित सेवाएं इस समय निगम में संचालित हैं और कुछ बस कुल जो बसेज हैं इनके पास लगभग 12,000 हैं। उसको और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है, बेड़ा बेहतरीन हो, अच्छा हो, अन्य राज्यों के यात्री तभी आ पाएंगे जब बेहतर सेवा आप दे पाएंगे और उस बेहतर सेवा को दें, पुरानी और वैसी बसों को मत भेजना। हाँ, बोल बस करिए, भेजिएगा अच्छी बसेज भेजे, ऐसा ना हो कि बांदा की जैसी घटना घटित हो जाए। आज ये कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, मैं इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से उन्होंने इसमें रुचि ली और बड़ी ही सहजता के साथ उत्तर प्रदेश से लंबित मामलों का वर्षों से, 17 साल हो गए और 17 वर्षों से जो मामले लंबित थे, हम लोगों ने पिछले 9 महीनों के दौरान उनका सबका समाधान लगभग कर दिया है। जो बाकी बचे होंगे उन सब का भी समाधान हम लोग बैठ करके आपसी समझौते से करेंगे। हम लोगों के बीच में न्यायालय या कोई अन्य प्राधिकरण हस्तक्षेप करे ये नहीं होगा, हम लोग आपस में बैठ करके इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे जो दोनों प्रदेशों की जनता के हित में होगा और उस दिशा में ये बेहतर प्रयास हुआ है। आज उन्होंने अपने जन्मदिन पर वर्षों से लंबित जो परिवहन समझौता था आपके लिए संजोग हो सकता है लेकिन ये हमारे लिए उपलब्धि है कि आपके जन्मदिन पर यह समझौता हो रहा है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ समझौते का मतलब उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का इसका लाभ मिलना है और उत्तर प्रदेश की जनता इसका लाभ लेगी। इस देश से हमारे लिए एक उपलब्धि है। जम्मू कश्मीर के साथ में वैष्णो देवी, अमरनाथ जाने के लिए या श्रीनगर जाने के लिए जिन भी लोगों को जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि होंगे जिनको गर्मियों में श्रीनगर जाने की याद आती होगी, और मैं तो शर्मा जी से कहूँगा कि गर्मियों में नहीं लेकिन सर्दियों में इन लोगों को श्रीनगर जरूर लेके जाइए। एक सेवा इन लोगों के लिए सर्दियों के लिए जरूर प्रारंभ करा दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जाना चाहेंगे और खासतौर पर खन्ना जी तो सर्दियों में ही जाना पसंद करेंगे। अच्छा होगा, लेकिन ये बनना चाहिए। पर्यटन और परिवहन इन दोनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, पूरे देश के अंदर करना चाहिए। एक अच्छा प्रयास हुआ है, मैं इस अवसर पर दोनों राज्यों के अपने परिवहन मंत्रियों को भी, श्रीमान यशपाल आर्य जी को, श्रीमान सुनील कुमार शर्मा जी को और उनके साथ आए हुए परिवहन विभाग के उन सभी वरिष्ठ अधिकारियों को जिन्होंने एक सकारात्मक रुख अपनाते हुए वर्षों से लंबित इस समझौते को आज यहाँ पर संपन्न करने में अपना योगदान दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन सबको हृदय से साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, और हम सभी लखनऊ वासियों की तरफ से हम बस आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे आपके जन्मदिन पर कि आंखों में खुशियां, लबों पे हंसी, आंखों में खुशियां, लबों पे हंसी, गम का कहीं नामो निशान न हो, और आपको मिले इस जहां की सारी खुशियां, उस खुशी की कभी शाम न हो। बहुत सारी बधाइयां, शत शत आप दीर्घायु हो। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे बीच में माननीय परिवहन मंत्री जम्मू कश्मीर श्री सुनील कुमार शर्मा जी। कहा जाता है कि भेंट हम कैसी भी दें, दिल के उद्गारों के साथ जुड़ी होती है। जी हाँ, अपने करकमलों से हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय जी के रूप में परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने करकमलों से अंग वस्त्र उढ़ाकर उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। यह हम सभी के लिए सौभाग्य ही नहीं, परम सौभाग्य की बात है आज का ये समझौता, जो अपने आप में ऐतिहासिक पल को जोड़े है, उस यादों को जोड़े है। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी जम्मू कश्मीर श्री सुनील कुमार शर्मा जी अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी अंगवस्त्र मुड़ाकर उन्हें सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आतिथ्य सत्कार प्यार और अपनेपन के साथ जुड़ा, और आज का ये पल उससे भी ज्यादा अहम, ये केसर जो कि अपने आप में स्वास्थ्यवर्धक होती है, और आज जन्मदिन के इस उपलक्ष्य पर ये छोटी सी भेंट और आज के इस खूबसूरत से वातावरण के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार बहुत सारी बधाइयों के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर मंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच उपस्थित प्रमुख सचिव परिवहन श्रीमती आराधना शुक्ला जी को। तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। देश के सबसे बड़े भूभाग एवं सबसे बड़ी आबादी के समृद्ध प्राचीन सांस्कृतिक बौद्धिक धरोहर के धनी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, उतने ही प्राचीन धरोहर के धनी प्रदेश उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतवर्ष के मुकुट जिसको स्वर्ग की उपाधि दी गई है उसके प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, जो पर्यटन और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए, वहाँ के माननीय परिवहन मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के
माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड के माननीय परिवहन मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय नगर विकास मंत्री जी, जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव परिवहन, प्रबंध निदेशक जम्मू कश्मीर परिवहन निगम, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, उत्तराखंड के परिवहन के सचिव परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक राज सड़क परिवहन निगम, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित माननीय उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक, सभी सम्मानित अतिथिगण, पत्रकार बंधु, भाइयों, बहनों, आज बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक दिन है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, बहुत तरह तरह से इसको ऐतिहासिक माना जाएगा, पर सबसे ज़्यादा इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का जन्मदिन है, और उस इस जन्मदिन के दिन वो हमारे बीच में आए। जैसे कि उन्होंने कहा कि उनको यहाँ पे आकर एक परिवार की भावना लगती है। जन्मदिन अक्सर आदमी अपने परिवार के साथ ही मनाता है, तो ये लगता है कि उनको वास्तव में अपने परिवार की भावना उत्तर प्रदेश में लगती है। इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन इस ऐतिहासिक क्षण को पूर्ण करने के लिए आप हमारे साथ आए, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपकी सहजता, आपने जिस प्रकार से हम लोग को हमेशा आशीर्वाद दिया जब भी किसी चीज़ के बारे में हम लोग ने आपसे समय मांगा, और छोटे अल्प समय में ही इस करार का ये आज हम लोग का कार्यक्रम जो दो तीन बार पहले टल चुका है, आज पूर्ण हो चुका, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ माह पहले जब प्रदेश की कमान संभाली थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष विभागीय प्रस्तुतिकरण हम लोग ने किया था माननीय परिवहन मंत्री जी की प्रेरणा से। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को एक विजन दिया था परिवहन विभाग के लिए, कुछ अपेक्षाएं बताई थी। हम लोग ने कोशिश करी उसी दिशा में काम करने के लिए, और उसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सभी प्रदेशों के, पड़ोसी प्रदेशों के करार हो जाने चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि जून में हम लोग ने राजस्थान के साथ करार किया, आज हमारा दो और प्रदेशों के साथ हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि और अन्य प्रदेशों का होना है, वो भी होगा। हम लोग अधिकारी हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेरणा देते हैं वैसा हम लोग करते हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग करते हैं। हम लोग को थोड़ा सा शाबाशी चाहिए होती है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा हम लोग को देते हैं, हर प्रकार से आशीर्वाद और शाबाशी देते हैं। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि किसी भी कार्यक्रम में किसी भी चीज़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी समय मांगो वो हमेशा देते हैं, जब हमेशा ध्यान और मार्गदर्शन देते हैं, और हमेशा हम लोग का उत्साह वर्धन करते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से अपना प्रोग्राम बदला। अब बिठूर माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना था, वो प्रोग्राम पूरी व्यवस्था बदली गई, उन्होंने समय निकाला और वो यहाँ पे हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के माननीय मंत्रीगण, जिनसे एक दूरभाष पे वार्ता करके ही समय लिया गया और करार किया गया, मैं बहुत आभारी हूँ। जिस प्रकार से सहृदयता से सुगम तरीके से पूरा काम आप लोग ने आज हम लोग को सफल बनाने का कर दिया, ये करार बहुत दूर जाएगा आपसी संबंध एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, राष्ट्रीयता बढ़ाने के लिए, ये मेरा विश्वास है, और हम लोग इसी प्रकार काम करेंगे, ये मेरा आश्वासन है। मैं सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सभी अतिथिगण जिन्होंने यहाँ पे समय निकाल करके अपने व्यस्त पूरे कार्यक्रम से समय निकाल कर यहाँ आए, हमारा उत्साहवर्धन किया,
हम लोग को आशीर्वाद दिया। मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने आए पूरे कार्यक्रम में बहुत पेशेंटली ये सब की बात सुनी और पूरा कार्यक्रम में अपना प्रतिभागिता की। और मुझे उम्मीद है कि कल उतने ही सुंदर कवरेज भी हम लोग को देखने को मिलेगा, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। मैं सबकी बहुत आभारी हूँ, सभी परिवहन विभाग के अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस काम को सफल बनाया और ये सपना हम लोग का साकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अपने उद्बोधन से प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश श्रीमती आराधना शुक्ला जी, और कुछ लम्हे कुछ क्षण जो अपनी यादों के साथ हम सभी के बीच में होते हैं, जी हाँ, और मंचासीन हमारे समस्त अतिथियों का आतिथ्य सत्कार, जिसके लिए हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी अपने कर कमलों से हमारे उत्तराखंड के हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अयोध्या की ये खूबसूरत सी चित्र के साथ और अंगवस्त्रम उढ़ाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और हमारे तीर्थ स्थल अयोध्या के इस स्मृति चिन्ह के साथ उनको अलंकृत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित माननीय परिवहन मंत्री जम्मू कश्मीर श्री सुनील कुमार शर्मा जी को अंगवस्त्र उड़ाकर एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अयोध्या की ये स्मृति चिन्ह के रूप में ये चित्र देकर अपने उस अध्यात्म को और अपने पर्यटन को एक कड़ी के साथ जोड़ते हुए माननीय परिवहन मंत्री उत्तराखंड श्री यशपाल आर्या जी अंगवस्त्र मढ़ाकर सम्मानित करते हुए अपने आप में अपने उस कड़ी को आतिथ्य सत्कार की, अध्यात्म की, ऐतिहासिक पल की एक ही धागे में जोड़ते हुए भाईचारे अपनेपन और ये पुस्तक हमारे धार्मिक पुस्तक के रूप में अपने एकल पुष्प के साथ स्वामी विवेकानंद की उन विचारों के साथ, महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ और जीवन को एक नए रूप में उठो जागो और चलो और तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाती, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। एक बार जोरदार तालियां उनके ही बनाए रास्ते पर आगे चलते हुए जीवन को एक नई दिशा देते हुए सभी को उपहार स्वरूप ये पुस्तक भेंट की जा रही है। और बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं आज के इस कार्यक्रम जो कि अपने आप में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एवं जम्मू एंड कश्मीर दोनों राज्यों के इस परिवहन निगम के बसों की एक दूसरे के राज्य में जनता को सुलभ और समन्वित यात्रा करने के लिए जो सुविधा प्रदान करी, आज उसके पारस्परिक परिवहन समझौते का हस्ताक्षर के साथ प्रतियों का आदान प्रदान, जी हाँ। और कार्यक्रम का समापन यहाँ पर करते हुए लेकिन नव वर्ष की ढेरों ढेरों बधाइयों के साथ, शुभकामनाओं के साथ और एक बार फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जन्मदिन की बहुत सारी ढेरों ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं, शतायु हो, दीर्घायु हो और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, अपना प्यार दुलार सभी को देते रहें।